अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आज का दिन शुरू थोड़ा सा लेट हो रहा है क्योंकि कुछ एक्टिविटीज़ थी, लाइक प्रैक्टिकल वर्क चल रहा है आजकल। कल हमने कुछ क्रिएटिविटी की थी, आज हमने उसको थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे लेके गए हैं। आज हमने एक वीडियो रिकॉर्ड करनी थी, वीडियो नहीं थी बेसिकली, एक स्टोरी थी जिसको हमने जस्ट उसके स्क्रिप्ट रिकॉर्ड करने थे वो किए। 7:59 AM गुड मॉर्निंग। ओके, ये है यहाँ की स्ट्रीट का व्यू जो कि दिन के टाइम पे काफ़ी रश हो जाता है और रात के टाइम पे भी यहाँ पे रश रहता है। ये जर्मनी नहीं है, ये स्पेन है। सो यहाँ पे इंजॉय हो रहा है, हम एक टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। ये मेरे साथ है फ्रांचेस्को। Hey Francesco. Hi. Hi, I'm sorry. From Hola guys. And so we are performing a task. We have to build a story by watching this kind of drawing created by some of the participants, and then we pick some random pictures, write a kind of drawing, and now we are building a story. This is the introduction, this is the middle part of the story, and we are creating the end of the story. Like, this is Francesco. और अभी कल्चर नाइट है, 5 बज गए हैं, 6 बजे कल्चर नाइट स्टार्ट होगी और हमने ढूंढने हैं जर्मन प्रोडक्ट्स, और पता नहीं कहाँ से मिलेंगी। स्पेन में जर्मन प्रोडक्ट्स ढूंढनी है और नो आइडिया कहाँ से मिलेंगी, तो उसके लिए हम जा रहे हैं। तो थोड़ा सा प्रोडक्ट ढूंढने के बाद मैं फिर कंटिन्यू करता हूँ क्योंकि टाइम कम है और काम ज़्यादा है। हम बेसिकली जर्मन प्रोडक्ट्स ढूंढ रहे हैं, आज कल्चरल नाइट है उसके लिए, और हमें जस्ट फांटा मिली है, उसका 2 फ्लेवर मिले हैं और उसके अलावा कोई कुकीज़ कोई स्नैक्स वगैरह नहीं मिल रहे हमें। तो देखते हैं, अगर ना कुछ मिला तो मेरे पास एक अपने लिए था, एक पैकेट पहने से लिया था मैंने, वो काफ़ी मुझे अच्छा लगा था, मैंने 1-2 बार ट्राई किया हुआ है। तो अगर और कुछ नहीं मिलेगा तो फिर ये ले लेंगे, ऑफकोर्स उससे गुजारा करना पड़ेगा। अब अपना खर्चा जो किया हुआ है वो ऑफकोर्स खर्चा होना था, वैसे भी जब किया हुआ है तो उसको लगा लेंगे, लेकिन देखते हैं क्या बनता है। लेकिन एक्टिविटीज़ बहुत कमाल चल रही हैं, मुझे नहीं पता कि मैं इन व्लॉग्स को किस तरह से अपलोड करूँगा क्योंकि रैंडमली वीडियोज़ में चला रहा हूँ और रैंडम वीडियोज़ चला रहा हूँ, लाइक जहाँ पर मेरा दिल करता है कैमरा ओपन कर लेता हूँ। आज हम सुबह से कोई रिकॉर्डिंग नहीं की, आज शाम 5 बजे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। कल हम जुम्मा की नमाज़ पढ़ के वापस आ रहे थे तो बारिश होने लग गई, सेंटियागो का प्रोग्राम था कैंसिल हो गया, आज पोर्ट पे जाना था वो कैंसिल हो गया। Yesterday. ये कल वाला चार्ट है जो हमने उधर बैठ के बनाया था। Flashback. सब लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं और अभी हमें थोड़ी देर में इसकी प्रेजेंटेशन देनी है, तो देखते हैं। लेकिन काफ़ी अच्छा टॉपिक है, इस पर हम बहुत डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन लेट्स सी। And also the full impairments, like if someone has accident and something hit his eye, so it can also affect the vision. Later that same evening. So, आज जुमा का दिन और हम नमाज पढ़ के भी निकले हैं जुमा की। आज एक बेहतरीन चीज़ ये हुई है कि उन्होंने आज लंच के बाद डे ऑफ रखा हुआ था, तो हम जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के लिए आ गए क्योंकि बाकी नमाज हम रूम में पढ़ सकते थे, मस्जिद काफ़ी दूर थी। और आई थिंक तकरीबन 15-20 मिनट का रास्ता था, 2 किलोमीटर के करीब था, हम चल के यहाँ पे आए। और बारिश हो रही थी आते हुए, लेकिन अभी थोड़ी सी कम है, थोड़ी सी बूंदाबांदी हो रही है। ये है एरिया जहाँ मस्जिद है और काफ़ी अच्छी जगह है ये भी, और ये बैक पे पहाड़ है और ये लोग सारे मस्जिद से आ रहे हैं अभी। यहाँ पे ना मैक्सिमम जो लोग हैं ना वो अफ्रीका से आए हुए हैं, मुस्लिम हैं जो यहाँ पे, मतलब मुस्लिम है वो ज़्यादातर अफ्रीका से आए हुए हैं। और ये लोग क्योंकि अफ्रीका में भी इनकी टेरिटरीज़ हैं स्पेन की, तो वहाँ से लोग फिर यहाँ पर ईज़िली मूव हो जाते हैं क्योंकि उनके पास भी सेम नेशनैलिटी होती है, क्योंकि यूरोपियंस ने अफ्रीका को अच्छा खासा खाया है तो वहाँ पे इनकी टेरिटरीज होती थी, तो ये लोग फिर इन्होंने भी उसका फ़ायदा हो ये इस तरह से उठाया है कि ये वहाँ से यहाँ मूव करके आ गए अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, और ये एक अच्छी चीज़ थी इनके लिए। लाइक अगर वो उनके मुल्क को नुकसान दे रहे थे
और उस पर उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ था, उनको उसको बांटा हुआ था। सो तकरीबन पहुंचने वाले हैं हम, और पता नहीं एंगल कहाँ पे आता है। लाइक मेरा ये फर्स्ट व्लॉग होंगे जो मैं अपलोड करूँगा यूट्यूब पे, इसलिए मुझे थोड़ा सा देखना पड़ता है, लाइक कभी यहाँ पे एंगल ठीक आ रहा होता है, कभी यहाँ पे ठीक आ रहा होता है। तो अभी पहुँचने वाले हैं, देखते हैं जाके रूम में क्या प्लान है बाकियों का, वो कहाँ जा रहे हैं। कुछ लोगों का तो सेंटियागो जाने का प्लान था, लेकिन सेंटियागो में बारिश हो रही है तो मे भी हम ना जाएं। और कल हमने कल्चरल रिप्रेजेंटेशन करनी है, कल्चर मतलब ये कि तीन कंट्रीज़ ने कल अपने आप को रिप्रेजेंट किया था, उनका कल्चर था, और तीन ने कल करना है, और उसमें इटली, टर्की और जर्मनी है। तो हमने अपोज जर्मनी को रिप्रेजेंट करना है, तो उनका कल्चर शो करना है। सीन काफ़ी अच्छे हैं आज, क्योंकि आप इस तरफ देख सकते हैं कि ये सामने पहाड़ों के ऊपर बादल हैं, तो इस तरफ जाते हैं। ओए रुको यार, देखते हैं अगर इधर से कोई सीन अच्छा आ रहा है तो यहाँ पे चले जाते हैं। तो ये सामने लाइक बहुत ही अच्छा लग रहा है, पहाड़ों के ऊपर बादल आए हुए हैं, क्योंकि हल्की हल्की बारिश हुई है, उस वजह से ये जो होते हैं माउंटेन्स वगैरह उन पर काफ़ी बादल वगैरह आ जाते हैं। तो देखते हैं क्या बनता है। लाइक अगर यहाँ पर कोई ऐसा सीन हुआ पिक्चर लेने का तो यहाँ पर ले लेंगे, अदरवाइज़ कल वाली पोर्ट पर ही हम जाएँगे। तो एक चीज़ यहाँ पे और है कि जर्मनी की तरह यहाँ पे लोग इतने रूल फॉलो नहीं करते, स्पेशली ट्रैफिक के। लाइट रेड भी है तो अगर ये रेड है तो कुछ लोग यहाँ से क्रॉस कर रहे होंगे, अगर ये वाला गाड़ियों की लाइट रेड है तो वो फिर भी उसको क्रॉस कर रहे होते हैं। तो बस ये देखते हैं कि अगर कोई नहीं आ रहा तो बस गुजर जाओ। लेकिन जर्मनी में यह है कि अगर कोई भी नहीं आ रहा तो उनको रुकना पड़ता है, क्योंकि जर्मनी में तो आपकी मंथली पे चली जाती है, उसमें इतना फाइन कर देते हैं वो। ये है इनका आर्किटेक्चर जिसकी मैं बार बार बात करता हूँ कि ये काफ़ी अच्छा है, लाइक बहुत ही यूनिक है। मतलब जर्मनी में इस तरह के बिल्डिंग नहीं है, वो पुरानी बिल्डिंग ज़रूर है लेकिन वो इस तरह से ना प्रिजर्व नहीं है उनका आर्किटेक्चर। उन्होंने ओल्ड डिज़ाइन में बनाई है लेकिन फिर भी उसमें ना न्यू की लुक आती है, लेकिन यहाँ पर जो है ना अगर ओल्ड बिल्डिंग है तो वो ओल्ड ही लगेगी, वो सामने उसके न्यू बिल्डिंग है तो उसका आर्किटेक्चर न्यू है। तो ये काफ़ी इसमें ना डिफरेंस आ जाता है। लाइक अब इस साइड पे बिल्डिंग सारी ओल्ड है तो इनका ये सीन है, और पीछे भी यही सीन है, और जैसे ही हम इस तरफ जाते हैं ये वाली बिल्डिंग्स ये थोड़ी सी न्यू आ जाती हैं। द फॉलोइंग डे तो कल्चरल नाइट का टाइम स्टार्ट हो गया है। ये है टर्किश कुजींस कुजाइंस आई थिंक, तो ये इनका टेबल है। ये है इटालियन, सो इट्स टू मच, और ये है जर्मन। तो हमें जर्मन के बारे में इतना पता नहीं था, तो ऑफकोर्स हमने जितना कर सकें तो हमने उतना ही किया है। ये जर्मन प्रोडक्ट है, लाइक फांटा, ये मिल्का, एंड दिस इज़ अ पाउडर, लाइक इट्स काइंड ऑफ स्पार्कलिंग पाउडर। सो काफ़ी, ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है, और खाने वाली दुनिया ऑफकोर्स ये टेस्ट करने के लिए होती है, और इट्स यूज लाइक ये इन्होंने यहाँ पे वेन्स की तस्वीरें लगाई हुई हैं, और यहाँ पे कुछ ये रोम की हैं दो, और उसके अलावा ये जो खुद आए हुए हैं इनके होम टाउन की हैं, तो इसके बारे में मुझे नहीं आइडिया। तो दिस इज़ काइंड ऑफ पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स, लाइक वी शेयर द कल्चर विद देम, लाइक दे हैव कल्चर, सो इट्स काइंड ऑफ सिमिलर, सो डेट्स व्हाई। और दीज आर द टर्किश पार्टिसिपेंट्स, ही इज फ्रॉम इटली।